नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मिशन दिल्ली में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और आज हम पहुंचे हैं कोंडली विधानसभा। यहां के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मुद्दे, जनता पूछेगी सवाल और क्या नेता दे पाएंगे जवाब। लेकिन उससे पहले आपको इस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश मिशन दिल्ली में आज बात कोंडली विधानसभा सीट की होगी। कोंडली विधानसभा दक्षिणी दिल्ली की सीट के अंतर्गत आती है। ये सीट 2008 में अस्तित्व में आई। 70 विधानसभा सीटों में से ये सीट एक रिजर्व सीट है और कांग्रेस के लिए काफी अहम भी है, क्योंकि इस विधानसभा सीट से पहला चुनाव कांग्रेस ने ही जीता था। पिछले चुनाव में हालांकि इस सीट पर कांग्रेस को मात देकर आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के अमरीश सिंह गौतम ने 2008 के पहले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत गौतम को मात दी थी, लेकिन 2013 का चुनाव कांग्रेस के लिए निराशा भरा रहा। यहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार 36,836 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत गौतम को 29,373 मत मिले। कांग्रेस के अमरीश सिंह गौतम 24,730 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए। बीएसपी के उम्मीदवार चमन कुमार भी 14,998 वोट लेने में कामयाब रहे हैं, लेकिन 2013 के चुनाव दिल्ली में कांग्रेस के लिए निराश करने वाले थे। इन चुनाव में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवारों को निराशा हाथ लगी। लेकिन ये बात हैरान करने वाली थी कि सत्ताधारी विधायक चुनाव में मुकाबले में भी नहीं रह सके। पिछली बार की तरह इस बार भी बिजली पानी पार्टियों के अहम मुद्दे माने जा रहे हैं। केजरीवाल के 49 दिन के इस्तीफे और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक बार फिर दिल्ली के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सबकी निगाहें दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर लग गई हैं। अब देखना होगा कि सीट पर जनता कमल को हाथ में लेकर किसके सर आम आदमी की टोपी पहनाती है। दिल्ली से वीआईपी न्यूज के लिए सचिन वर्मा की रिपोर्ट। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, और अब बारी है जनता की और नेताओं की। नेता क्या बोलेंगे, जनता जब सवाल पूछेगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद भाटी जी हैं, वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, क्योंकि वेलफेयर एसोसिएशन भी क्षेत्रीय मुद्दा है, इस लिहाज से इनको बुलाना काफी अहम था। हमारे साथ चमन कुमार जी हैं, बीएसपी से हैं। चमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत गौतम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। प्रबल प्रताप जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से। हालांकि विधायक जी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन विधायक जी नहीं आ पाए, शायद बहस से बचना चाह रहे थे। सबसे पहले लेकिन जनता के पास चलते हैं, जनता के मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, आप बताइए सबसे पहले। हमारे क्षेत्र में न तो मेट्रो है और बिजली पानी की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। और हमारे एमएलए 15 साल से यहाँ कांग्रेस के रहे हैं, इन्होंने कोई काम करके नहीं दिया जी। और बहुत पिछड़ा क्षेत्र है हमारा ये। सड़कें बनी यहाँ पर, बिजली पानी समय पर कुछ आता है? सड़कें भी बहुत दयनीय हालात है और पार्कों में बड़ी स्थिति खराब है। और पानी की तो ये है कि खारा पानी है, बड़ी स्थिति है ही नहीं, पानी आ ही नहीं रहा है। विधायक जी आते हैं क्षेत्र में? आते हैं कभी कभार, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। और क्या स्थिति है क्षेत्र की, मेट्रो पानी बिजली कुछ मिला जी? पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। मैं तो आपको, आपके सामने ही है, 15 साल वो विधायक रहे और 49 दिन प्लस 9 महीने जो भी इन्होंने काम किया, लेकिन वो जब आपके सामने डिबेट से आने में बच रहे हैं, क्या उन्होंने काम किया होगा? उन्हें पता है पब्लिक सामने खड़ी है, उनको जवाब देना है, इसीलिए वो आने से बचे हैं यहाँ पे। और वास्तव में बाकी रही यहाँ की स्थिति, यहाँ ना तो मेट्रो है, बिजली पानी तो आप देखो, आप किसी से पूछ लीजिए, पानी ये कॉलोनी है गढ़ोली डेरी कॉलोनी, यहाँ 1975 में ये रीसेटलमेंट कॉलोनी बसाई गई थी, लेकिन आज तक पानी की व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद जैसे हमारे एमपी महोदय भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सरकार बनी, हम उनके पास गए सारे आरडब्ल्यू लोग और हमारी जनता कि भाई साहब हमारे यहाँ पानी को कुछ कराइए। तो हमारे क्षेत्र में जो दुष्यंत गौतम जी थे, हम इनके पास भी गए, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, ये हमारे साथ गए और एमपी महोदय के सामने हमने बात रखी, तुरंत जल बोर्ड अधिकारियों को बुलाया, अब यहाँ पे काम आपका चालू, आप देख लीजिए। अच्छे दिनों की बात की जाती है, अच्छे दिन आए इस क्षेत्र के? अच्छे दिन का उम्मीद तो जगा है लोगों में। विधायक जी ने कुछ काम किया यहाँ? विधायक जी 1 साल से वोट लेके विधायक बन के भाग गया,
विधायक वोट लेकर के भाग गए, नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ 4 करोड़ रुपया उनको मिला, वो पता नहीं क्या कौन सा जेब से निकला, उनका जेब में वो लगा हुआ लगता है। विधायक जी 7 RCR के दावेदार हो गए, आप बताइए विधायक जी नजर आते हैं यहाँ पर? यहाँ विधायक जी जो ये वाले तो हमने देखे नहीं आज तक, पहले वाले देखे हैं, पुराने वाले आते तो थे लेकिन उन्होंने काम कोई नहीं किया इस क्षेत्र में। पानी, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ रास्ता ही नहीं है इस क्षेत्र में, आने के लिए कोई आम रास्ता भी नहीं है। क्या मुद्दे हैं भाई साहब इस क्षेत्र के? जो मेरे इन बड़े बुजुर्गों ने बताया वही हकीकत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ? तो काम करते हैं। कुछ रोजगार की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई या खुद ही अपना कमा खा रहे हैं? कमा खा रहे हैं। आप एक युवा, रोजगार मिला? रोजगार तो अभी नहीं मिला जी। यहाँ पे अमरीक सिंह गौतम बहुत काम किया, बहुत 15 साल में अमरीक सिंह गौतम ने काम किया। आपको लगता है अमरीक सिंह गौतम ने वाकई में काम किया क्षेत्र के लिए? जो 15 साल रहे, 15 साल में कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं किया। काम किया है 15 साल में? कोई काम नहीं किया। हमारे गरोली डेयरी फार्म में देखिए आप, मुल्ला कॉलोनी है, मुल्ला कॉलोनी की सड़कें देखिए आप, जाके पूरा दिन धूल उड़ती है, दुकानदार इतने परेशान है, पानी में कीड़े आते हैं। कई बार विधायक जी से शिकायत हुई, इस बारे में कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी आते हैं और खाली वोट के लिए आते हैं, वोट दो। आम आदमी नजर आता है, आम आदमी के पार्टी के विधायक मनोज कुमार जी? कोई विधायक नजर नहीं आता। हमारे क्षेत्र में चैन स्नैचिंग का बहुत ज्यादा हुआ है और इतना ज्यादा मतलब क्राइम बढ़ रहा है कि लोग रास्ते में जाते हैं और रास्ते में मतलब क्राइम इतना हो रहा है कि कर्म किसी को भी लूट लिया जाता है। अभी मैं कोंडली में केमिस्ट है मेरा, अभी मेरे पास एक लड़का आता है, वो लड़के के पास ये क्या नाम है कथुरे रेस्टोरेंट के पास में क्या नाम है उसके मतलब रोडे वगैरह बजाई हैं और उसके मतलब पर्स वर्स छीन ले गए और उसे चाकू से मारा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों के पास चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो लगातार लोगों का यही मानना है ना बिजली है ना पानी है, फिर किस हिसाब की नेतागिरी, क्या पसंद है यहाँ के नेता, किसे चुन रही जनता? नेतागिरी यहाँ ऐसी है कि अपना आएंगे चले जाएंगे, जो भी अभी जो विधायक जी हैं आम आदमी वाले, उनकी तो लोगों ने शकल ही नहीं देखी है। पहली बात तो इनको 25% लोग यहाँ के नहीं जानते। ये तो केजरीवाल का एक नया मुद्दा आया था और 15 साल में जो इन्होंने कांग्रेस ने काम नहीं किया उस वजह से लोगों के दिमाग में था भाई कोई नई पार्टी आएगी काम करेगी, बिल्कुल नथिंग, कुछ कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अब नेताओं के बारे में आऊंगा आपके पास, अब नेताओं के बारे में दरअसल जो लोग यहाँ पर विधायक उनसे जान लेते हैं। प्रबल जी, क्यों विधायक जी नजर नहीं आते हैं? आम आदमी की बात की जाती है, मीडिया से डरते हैं, जनता के सवालों से क्यों बच रहे हैं आपके नेता? पहली चीज तो मैं ये कहूँ कि हम लोग किसी से डरने की कोई बात है ना मीडिया से, अभी जनता के क्षेत्र में निकले हुए, जनता से मिलने के लिए तमाम समस्याएं रहती है तमाम जगहों पे, क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र में गए हुए। दूसरी चीज ऐसी है कि जहाँ तक फंड्स की बात कर रहे हैं, हमने तमाम जगह मोहल्ला सभाएं करके, तमाम जगहों पे गांव में सभाएं करके हमने सभाएं की, लोगों को बुलाया। पहली बार जनपक्षी जन सहभागिता का प्रजातंत्र हमने शुरू किया। 4 करोड़ रुपए आते हैं MLA फंड्स में, ये आज के पहले किसी को नहीं पता था। पहली बार 4 करोड़ रुपए जनता के सामने रखा गया। जनता झूठ बोल रही है, जनता झूठ बोल रही है, आपको मैं बता रहा हूँ। यहीं पर तमाम जगहों पे तमाम RWS ने हमें बुलाया, तमाम जगह। एक साल में क्या विकास कार्य, कोई बड़ा काम बताइए, जल्दी बता रहे हैं। A2 पॉकेट में, C2 पॉकेट में, जहां जहां हमें बुलाया गया उन सब जगहों पे, आपके दल्लूपुरा में, आपके कोंडली गांव में, आपके मुल्ला कॉलोनी में, आपके राजवीर कॉलोनी में, जहां सीवेज सिस्टम नहीं था सीवेज सिस्टम डलवाया। ये जनता झूठ बोल रही है। यहाँ ए ब्लॉक घड़ोली डेयरी कॉलोनी विकास समिति का मैं महासचिव हूँ और यहाँ 2650 प्लॉट हैं और जब विधायक जी बने थे तो हमने उनका बुला करके मान सम्मान भी किया था, लेकिन RWGD कॉलोनी विकास समिति को फंड के बारे में आज तक कोई सूचना नहीं दी गई, न बिल्कुल पूछा गया कि आपकी कॉलोनी के अंदर क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनुभव की कमी है, आप बताइए दुष्यंत जी, आपकी तो सरकार भी अभी 6 महीने से ज्यादा, आप क्या लेकर आए सांसद निधि से यहाँ? 6 महीने के अंदर हमारी सरकार ने हमने वादा किया था हम यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, उसका उद्घाटन होने वाला है, हमने पानी की लाइन डलवाई, बाकायदा व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, हमने स्कूलों के निर्माण की बात की है, सीवर की लाइन की हम अभी डालने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे विधायक जी ने कही है, जो वर्तमान के विधायक के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कि हम सभी RW गए, अधिकतर RW यहाँ बैठी है, किसी ने भी देखा होगा इन्होंने कभी किसी के पास भी नहीं गए। और 4 करोड़ रुपया कहाँ गया, जनता पूछ रही है, 4 करोड़ रुपया बहुत। आपने 6 महीने में इस क्षेत्र के लिए क्या किया ये बताइए। बता रहा हूँ, हमने पानी की शुरुआत की है, हमने सीवर हम डालने वाले, हमने यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यहाँ पे से जानेंगे। चमन कुमार जी, BSP क्या कर रही है यहाँ के लिए, कैसे चुनाव लड़ना ही काम है BSP का सिर्फ? देखिए, हमारा यहाँ इस विधानसभा में एक 215 वार्ड में काउंसलर है और उस वार्ड में प्रॉपर काम हो रहा है, हर पार्क में डेवलपमेंट, हर जगह जो है जो सिस्टम पार्षद के अंडर में आता है वो प्रॉपर है। अदर देन जो 3 वार्ड है उनमें कोई काम नहीं हो रहा है। MCD की निगम में सरकार है, अदर जो 3 वार्ड अलग वाले झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। BJP के 3 वार्ड देख लें जाके, सफाई देख लें, चारों तरफ गंद मची हुई है। और दूसरी बार जो विधानसभा पानी दिलाया, BJP ने सांसद साहब ने पानी दिलाया,
इलेक्शन के मुद्दे हैं, ये इलेक्शन के आसपास लाइन डलवाना शुरू करते हैं और इलेक्शन ओवर होने के बाद बंद हो जाते हैं। ये कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा, सब जनता जानती है कहीं कोई काम। चुनाव के लिहाज से भाटी जी आप बताइए, वाकई में विकास हुआ है क्षेत्र में, बीजेपी कुछ कर रही है, कोई कौन पार्टी कर रही है? अब से पहले 15 साल तक जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे और हम कम से कम 500-700 आदमी पानी के विषय को लेकर के उनके पास गए थे। उन्होंने बजाय पानी, जबकि मुख्यमंत्री ने ऑर्डर कर दिया और विधायक ने पानी का ऑर्डर जो है रुकवा दिया। उन्होंने विकास की जगह यहाँ जो है रोकने का काम करा 15 साल तक। उसके बाद में 49 दिन की सरकार आम आदमी पार्टी की रही, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए, वो भी अपने टाइम से पहले भाग गए। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कुछ किया यहाँ? कुछ भी नहीं करा जी, ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। RWA का उपाध्यक्ष कोंडली से मैं भी हूँ। एक बार तो हमें आमंत्रित किया नहीं गया कि हाँ भाई चलो भाई आपसे आपकी कोई राय ली जाए, कुछ भी नहीं करा। ये अभी झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि पानी दिया हमने, यूनिवर्सिटी की बात की, सीवरेज सिस्टम करा रहे हैं, सच बोलना। पानी की तो ऐसा जी, यहाँ तो मतलब हर साल यहाँ उद्घाटन कर देते हैं, पानी का अभी तक कोई लाइन बिछी नहीं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और बड़े बूढ़े की पेंशन, अब तो सरकार बीजेपी की है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार, अभी तक पेंशन नहीं मिली बड़े बूढ़े की। तो इनसे ये पूछिए ये रहते कहाँ है? हम डेयरी फार्म में रहते हैं। आप अभी कैमरा पानी मिला आपको? बिल्कुल अभी बीजेपी ने दिया नहीं। आप बताइए जी, हाँ पानी की लाइन बिछी हुई है, आप लोगों से जानते हैं भाई, पानी मिला है यहाँ पर? पानी इसी बार से कान में रहता हूँ, लाइन बिछी है अभी, पानी लाइन बिछ गई है। पानी पीने का सही मिलता है? पानी सही मिला कोई जी? पानी की लाइन बिछ रही है, आपके कैमरा लेके चलिए अभी, ये झूठ बोले यार। मैं डेयरी फार्म में रहता हूँ और यहाँ पे 1 साल पहले पानी की कुछ लाइनें खोद दी गई, सड़क खराब कर दी गई, लोगों के घर के सामने मिट्टी हो गई। उसके बाद अब 2-4 दिन पहले हमारे घर के सामने भी खोद दी गई, पानी इतना आ रहा जिसका कोई हिसाब नहीं, नहा रहे हम, पानी ज्यादा आ गया। ये बताइए यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है? कुछ भी हालत नहीं है, बालक आते हैं स्कूल में और टीचर गायब रहते हैं कि आज वॉमिटिंग और वॉमिटिंग, स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई ना होती। ताऊ जी स्वास्थ्य सेवा कुछ मिला यहाँ? कोई किसी की नहीं सुनता बाबू जी, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। बताइए क्या यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्कूल कितने हैं? स्कूल तो यहाँ पे हैं 2-3 स्कूल है जी, मगर सुविधा सी कोई नहीं है। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कोई भी नहीं है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है पूरे पूरे इस विधानसभा में, कौनली विधानसभा में एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जिसमें बहुत बुरा हाल रहता है, कोई स्वास्थ्य की बुरा हाल है इस क्षेत्र का। समस्याएं आपने सुन ली कि कितनी दिक्कतें हैं लोगों को, पानी की व्यवस्था भी जो है सही तरीके से नहीं कर पा रही सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, शिक्षा की बात की। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जानने की जनता से कोशिश करेंगे किसे चुन रही है जनता यहाँ से अपना विधायक। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।